ग्राउंड में कंचे नहीं खेले? नहीं। कहिए ये सब क्या है? क्या हुआ? आप आलू में चिट्ठी लपेट कर फेंकते हो और फिर मुझे अकेले मिलने के लिए भी बुलाते हो। कौन सी चिट्ठी, कैसी चिट्ठी? मैंने आप पर कोई चिट्ठी नहीं फेंकी। आप पत्रकार पोपटलाल पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। हाय है, ये क्या है? और आपकी थैली में क्या है? आलू। अरे लेकिन ये आलू मेरी थैली का नहीं है, और ये आलू तो मैं अभी अभी बाजार से खरीद के लाया हूँ सब्जी बनाने के लिए। अच्छा। और मेरे हाथ में आलू की थैली है, मतलब मैंने आपके ऊपर चिट्ठी फेंकी? ये आलू का पट्टा बीच में कहाँ से आ गया? अरे 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 अरे, क्या हुआ क्या पोपटलाल? अरे इनको देखो, अब ये जेठालाल को छोड़कर मेरी गर्दन पकड़ रही है, कह रही है कि मैंने इनको आलू में चिट्ठी लपेट कर बाहर अकेले में मिलने के लिए बुलाया। नहीं नहीं, देखिए आपके साथ जरूर किसी ने मजाक किया होगा। माना हमारे पोपटलाल की शादी नहीं हुई है, लेकिन वो इस तरह की आलू जुलूल उल जुलूल हरकत नहीं कर सकता। आप इसे जाने दो। अरे जाने दो क्या जाने दो, और क्यों जाने दो भाई? ये चिट्ठी किसने फेंकी ये मैं पता लगा कर रहूंगा। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाऊंगा। किसको बुलाएगा? हस्तलिपि विशेषज्ञ। हमारी सोसाइटी में से ये हरकत जिसने भी की है उसे पकड़ कर रहूंगा, उसकी दुनिया हिला दूंगा। जेठालाल, ये तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाने जा रहा है। यार तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मैं फंस गया, लिखा तो मैंने है ना। एक और आलू है। क्यों? उसमें एक और चिट्ठी लिख के फेंक दो कि ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी है। किसी बातें कर रहे हो जेठालाल? एक काम कर, बाहर जाके कुछ करना पड़ेगा। चल चल। पोपटलाल भीड़, तुम अभी के अभी पुलिस को बुलाओ। शांति रखो, पुलिस वुलिस की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, क्या शांति क्या रखो मेहता साहब, यहाँ पर एक बेकसूर बेगुनाह कुंवारे पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि शांति रखो। भाई मैं सोसाइटी में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाऊंगा। भिड़े, तुम अभी के अभी सारे सोसाइटी वालों को नीचे बुलाओ और सबके हैंडराइटिंग चेक करो। अरे भाई तुमको क्यों सीआईडी बनना है? अभी चिट्ठी जिसने लिखी उसने लिखी। भिड़े काम कर, तो ये पहाड़ी से माफी मांग ले। हाँ। मैं माफी मांगू? अरे मैं क्यों माफी मांगू, माजा का संबंध? अरे भाई तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है बराबर, और ये चिट्ठी हमारी सोसाइटी में से किसी ने लिखी होगी, तो सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते पूरी सोसाइटी की तरफ से तू माफी मांग ले, बात खत्म। नहीं क्या बात क्या खत्म जेठालाल, चिट्ठी लिखे कोई रोमियो और माफी मांगे सेक्रेटरी? नहीं नहीं नहीं, सॉरी जेठालाल, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। अभी एक वाक्य में तो तीन बार सॉरी बोल गया, इससे अच्छा एक बार इधर सॉरी बोल दिया होता तो अब तक बात खत्म हो गई होती। मैंने सिर्फ दो बार सॉरी बोला जेठालाल। अभी एक बार बोला उसको गिन के हो गया ना तीन बार। जेठालाल ये क्या? सॉरी। अरे भाई मांग लेना माफी अभी। सॉरी जेठालाल। मेहता साहब पुलिस को बोला। ना ना बोलाओ पुलिस को, पुलिस इधर आएगी पूछेगी सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है और इसको पकड़ के लेके जाएगी उधर पुलिस स्टेशन में, ठंडी के मौसम में तीन चार डंडे लगाएगी और पूरी रात इसको पुलिस स्टेशन में बिठा के रखेगी, तब इसके कल ठिकाने आएगी। गुलाबो भाभी। ओ भाव का भाभी का। सॉरी। अरे माला नको यहाँ ना संगा सॉरी। हाँ देखिए गुलाबो जी, सोसाइटी में जिस किसी ने भी आपके साथ ये मजाक किया होगा, मैं उसकी तरफ से एज अ सोसाइटी ऑफ सेक्रेटरी, सोसाइटी ऑफ सेक्रेटरी, ए सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी, मैं सॉरी बोलता हूँ, माफी मांगता हूँ। आप इस आलू को मामले को आप यही रफा दफा कर दीजिए प्लीज। सो गया, देखा मालूम पड़ा कुछ।
खाली पका ए ने ने बोलेंगा ने ने ते ने सिंपल हो गया ना। चलो भाई चलो 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 एक मिनट। अरे सुबह उठा लेगा खराब कर लेंगे भाई। एक मिनट जेठालाल, ये हैंडराइटिंग को जानी पहचानी लग रही है। ने भाई क्या है तुमको इतना ये सब, क्यों सीएडी बनना है भाई? फुटलाल ये सब छोड़ो ना, भिड़े का टेंशन और मत बढ़ाओ। नेता साहब सिर्फ आप कह रहे इसलिए और भिड़े की मुसीबत ना बढ़े इसलिए मैं इस मामले को जाने दे रहा हूँ, वरना मैं आज पता लगा के रखता कि सोसाइटी में रोमियो कौन है। तुम इन सब कामों में क्यों दिमाग लगाते हो भाई पोपटलाल, अपनी शादी पे ध्यान दो ना, और रोमियो ढूंढने की बजाय अपने लिए कोई जूलियट ढूंढो।